मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वीरभद्रासन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वीरभद्रासन यानी कि वीर योद्धा, जो भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। इस आसन को करने से हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल, हमारा ऑब्लिक मसल, हमारा ट्रेपेजियस मसल, हमारी स्कैपुला, हमारा क्लविकल बोन, सारे एक्सरसाइज से करने से हमारे सारे मसल्स को मजबूती मिलती है, ताकत मिलता है, ऊर्जा निकलता है, हमारी ऊर्जा अर्ध बॉडी में जाती है और हमारे बॉडी को सेप और थाई को मजबूती मिलती है। तो हम आपको ये आसन करके बताते हैं, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। वीरभद्रासन, पैरों को 3 से 4 फुट की दूरी पर फैलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने पैर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 15 डिग्री तक घुमाएं। जांच करें कि दाहिनी एड़ी बाएं पैर के सीध में रखे। दोनों हाथों को कंधों तक ऊपर उठाएं और हथेलियां आसमान की तरफ खुले होने चाहिए, ऐसा रखें। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर लेके जाएं और गले को थोड़ा पीछे की तरफ घुमाएं। जांच करें कि दाहिना घुटना एवं दाहिना टखना एक सीध में होना चाहिए, घुटना टखने से आगे नहीं जाना चाहिए। आसन में स्थिर होकर हाथों को थोड़ा और खींचे। अब धीरे से अपने पूर्व स्थिति में आ जाए। यही क्रिया आप दूसरे तरफ से भी दोहराएं। आसन में स्थिर होकर हाथों को थोड़ा और खींचे और ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे से अपने पेल्विस को नीचे करें। एक योद्धा की तरह इस आसन में स्थिर रहें और मुस्कुराते रहें। नीचे जाने तक सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। यह स्थिति बनाए रखें। सांस लेते हुए ऊपर हाथ उठाएं और श्वास छोड़ते वक्त दोनों हाथों को बाजू से नीचे लाएं। वीरभद्रासन से लाभ। हाथ, पैर और कमर को मजबूती प्रदान करता है। शरीर में संतुलन बढ़ाता है और सहनशीलता से बढ़ती है। बैठकर कार्य करने वालों के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। कंधों के जकड़न में अत्यंत प्रभावशाली है। कंधों के तनाव में तुरंत मुक्त करता है। वीरभद्रासन कृपा एवं शांति की वृद्धि करता है। सावधानियां, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के विकार से पीड़ित हैं, तो किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो चिकित्सा के परामर्श लेकर ही ये आसन करें। उक्त उच्च रक्तचाप वाले मरीज यह आसन ना करें। वीरभद्रासन गर्भवती महिलाओं के लिए और दूसरे और तीसरे तिमाही में अत्यंत लाभदायक है। आप इस आसन को करते समय दीवार का सहारा लें। इस आसन को करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। मेरे वर्कआउट किए हुए एक्सरसाइज आपको पसंद आ रहे हैं और आप उसे कर रहे हो, तो अपने फोटोज और वीडियोस में मुझे टैग करो, जिससे कि हम आपके फोटोज को लोगों को इंस्पायर कर सके, सेंड कर सके और दिखा सके, मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।